विदिशा जिले पठारी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पठारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया। कमलनाथ रोते रहते थे कि पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देना मेरा संकल्प है, ताकि हमारे बच्चे बेरोजगारी के चक्रव्यूह में न फंसे। मैं बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा, मुझे लोगों की जिंदगी बदलना है। अगला टारगेट लखपति बहन बनाऊंगा, हर बहन लखपति हो, यही मेरा संकल्प है। उन्होंने कहा कि अब किसानों की फसलों को सस्ती नहीं बिकने देंगे। गेहूं 2700 रुपया क्विंटल, धान 3100 रुपए क्विंटल खरीदी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी कुरवाई विधानसभा क्षेत्र से हरी सिंह सप्रे की मध्य प्रदेश में जीत का रिकॉर्ड बनाएगी पूरा देश, और कांग्रेस सुन ले, मुझे लाडली बहन के खाते में राशि डालने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैंने संकल्प लिया है कि लाडली बहन योजना की राशि 3000 रुपए प्रति माह करूंगा। लाडली बहन योजना में जिन बहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, चुनाव के बाद 21 साल से अधिक की अविवाहित बहनों को भी योजना में रजिस्ट्रेशन होगा। हम आगे चलकर सभी बहनों को लखपति बहन बनाएंगे, जिसका अर्थ होगा हर बहन की आमदनी 10,000 प्रति माह होगी। उन्होंने कहा कि जिन गरीब एवं लाडली बहनों के कच्चे मकान हैं, उन्हें नई योजना चलाई गई है। ये योजना सीएम आवास योजना से स्वीकृत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पठारी में जल्द ही सीएम सनराइजर स्कूल एवं महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। और किसान भाइयों, अरे बहनों के खाते में थोड़ी आ रहा है, अपने खाते में 1000 रुपया महीना आ रहा है भैया, आ रहा होगा नहीं आ रहा? अरे 6 PM साहब भेज रहे, 6 हम भेज रहे हैं। अब भैया आते जाएंगे, चिंता मत करो रे, और आगे आने दो, इंतजाम होने दो, और आगे बढ़ेंगे। जो काम किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया, कोई ने नहीं किया। मैं पहले से बोनस देता था, आपको पता है। अब इस बार सुन लेना, गेहूं खरीदूंगा 2700 रुपया क्विंटल, धान खरीदेंगे 3100 रुपया क्विंटल, किसानों को पसीने का पूरा दाम देंगे। मेहनत कस किसान की आवाज हूं मैं, शिवराज हूं। 0% ब्याज पे कर्जा से लेके फसल बीमा योजना तक बताने का समय नहीं है आज मेरे पास, लेकिन किसानों की जिंदगी में सिंचाई की, अब विदिशा जिले में कौन सी सिंचाई की व्यवस्था करी, जितनी करी भारतीय जनता पार्टी ने करी, मैंने करी मुख्यमंत्री बनने के बाद। लेकिन उसमें आपकी भावनाओं का भी ध्यान रखा। आपने कहा हनोता बांध में जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई कम होनी चाहिए, पिछली बार कहा था, तो जितनी कम हो सकती थी हमने कम करने का काम भी किया। और मेरे बेटा बेटियों, मैं जहां जाता हूं मामा मामा क्या कहते दौड़ते हैं, हे मामा ओ मामा मम्मा, और बड़े तो कहते हैं मामा आई लव यू, हम भी कहते हैं आई लव यू टू। इन बच्चों का यात्रा बंद कर दी, अब रेल से तो नहीं जा रहे, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे हम, हवाई जहाज शुरू कर दिया है हमने। अरे भैया गरीब को कर लू पन्ना मन्ना को भी है, हवाई जहाज में बैठ लेंगे यार, मामा काय के लिए। ये जिंदगी बदलने का अभियान है, बात बहुत, समय कम है। कांग्रेस झूठ की मशीन है। अब देखो प्रियंका गांधी आई, बोले राम भगवान को वनवास हुआ था 13 साल का, और हमारे बच्चे बच्चे जानते हैं कि 14 का वनवास हुआ। क्या लगे डीजल पेट्रोल पे GST लगा दी, बहने का नहीं मालूम डीजल पेट्रोल पे GST लगती है ये कर, मतलब झूठ तो देखो। क्या लगे भैर, मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल कारखाना है ना भोपाल का। समाज के बच्चे, बच्चों में भेद नहीं करूंगा, वो मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। कोई बच्चा हर जाति समाज का, उन बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, लॉ कॉलेज, बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में कहीं भी होगा तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवा के देगा। मैं शिक्षा फ्री करूंगा, क्योंकि तो शिक्षा मौलिक अधिकार है। गरीब के बेटा बेटी क्यों ना पढ़े, टुकड़ टुकड़ काहे को देखें, किसान के क्यों ना पढ़े, इसको बोझ नहीं रहने दूंगा। बोझ एक शैक्षणिक क्रांति होगी मध्य प्रदेश की धरती का। और मेरे बेटा बेटियों, रोजगार के लिए अब प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर परिवार में एक रोजगार दूंगा।
मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलो एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर परिवार में एक रोजगार मिशन मोड में करेंगे ताकि कोई परिवार भूखा ना सोए। गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निशुल्क रात लगाओ, कोई कसर मैंने नहीं छोड़ी है, लेकिन भूल से जीत गई तो ना तो लाड़ली बचेगी और ना बहना बचेगी, सब साफ मिला जाना, क्योंकि ये बेईमान लोग हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कांग्रेस चालू पार्टी, चालू उनके लोग कहते हैं चालू पार्टी, तो चालू पार्टी पे विश्वास ना करें। मेरे बहनों और भाइयों, मेरे आपसे बरसों पुराने रिश्ते हैं, ये पठारी हो, गुरबाई हो, मेलवा चौराहा हो, ये मेरे दिल में बसता है, रोम रोम में रंगता है, यहाँ का गांव गांव मुझे याद आता है, और आपके आशीर्वाद से ही मैं मुख्यमंत्री बना हूँ। लेकिन एक बात कहता हूँ, क्या आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मैंने आपका मान सम्मान कभी कम नहीं होने दिया, ऊंचा करने का काम किया है, मैंने कभी आपको नीचा नहीं देखने दिया। आगे और कुर्बानी बढ़ेगी, पठारी बढ़ेगी, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हरि ने अभी भी जो काम बताए मैंने किए, मेरे वरिष्ठ नेता जो काम बताएंगे कुर्बानी के विकास के लिए, पठारी के विकास के लिए, इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए पूरे करके मैं दूंगा। कमलनाथ रोते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है, पैसा नहीं तो काहे मुख्यमंत्री बन गए भैया, मेरे पास पैसा की कोई कमी नहीं है, मैं विकास भी करूंगा और जनता का कल्याण भी करूंगा। बस मेरी, अरे 11 करोड़ की अस्पताल है लेकिन सैकड़ों करोड़ के काम है भाई, आज दिना में नहीं आए तो उनके टाइम नहीं है। आप बताओ हमने जितना विकास किया कांग्रेस ने कभी किया क्या, जोर से बताना किया क्या। अरे एक बात और बताओ, मैंने अच्छा काम किया कि बुरा, जोर से बताओ, तो मेरी सरकार बननी चाहिए कि नहीं। लेकिन बनेगी तब जब हरी सप्रे विधायक बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और इसलिए ये हरी सप्रे तो प्रतीक है भाई, उम्मीदवार आप सब है। भारत माता की, भारत माता की। अब मेरी 3 सभाएं, रोकना मत, मुझे भागते हुए जाना पड़ेगा, फिर जल्दी आऊंगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।